तो दोस्तों डुगू चला गया है स्कूल को और मेरा झाड़ू पोछा हो गया है। अब नहाने जाती हूँ क्योंकि फिर पूजा के लिए बहुत देर हो जाती है, वैसे ही मैं लेट कर देती हूँ सुबह, तो अब नहा लेती हूँ फटाफट से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुनीता सिंह पर। कैसे आप सब लोग, आए हो सब ठीक होंगे दोस्तों? हम भी ठीक हैं। तो आइए दोस्तों कर लेते हैं एक आज के नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि सावन का महीना चल रहा था तो दुकान में इतनी भीड़ थी, तो मैं खुद ही ब्लॉग बनाती हूँ तो कोई घर में था भी नहीं, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाई काफ़ी दिनों से। तो अब थोड़ी हल्का काम हो गया है तो आज से फिर स्टार्टिंग कर रही हूँ ब्लॉग की। तो आज बहुत अच्छी धूप आई है, मौसम साफ है, तो आज का मेरा काम है कि सारा बिस्तर सुखाना और सारी दालें सुखा देना। क्या कहते हैं, शायद बू गहरे कीड़े लगे होंगे, बल देख ले, धूप आई है सुखा ले। तो आज दाल वाल सब डाल देती हूँ बाहर पहले, उसके बाद खाना पीना बनाने का काम। तो दोस्तों सुबह सुबह तो बारिश होने लग गई थी और अभी फिर से धूप आ गई है। आज मैंने सब दाल वाल सुखाने डाल दी है छत में धूप का फ़ायदा उठा के, और गद्दे भी डाल दिए हैं। सिलन हो रखी थी। तो दोस्तों दिन तक का सारा काम मेरा निपट गया है, सारे बेडों में गद्दे फिट करके लगा दिए हैं, बेडशीट वगैरह से बिछा दिए हैं, हाँ, और ये कुकर के गमले में भी, और सारे गद्दे सूख गए हैं। डुगिया देख रहा है टीवी आके, स्कूल से आके, और कुछ काम धाम इसका है नहीं। और आज आने वाले हैं देवरानी जी, काला महीना मारने गई थी तो इनके कमरे की भी साफ सफाई हो गई है डर के मारे आएगी तो डांट पड़ेगी करके। तो दोस्तों ये तो था एक जोक्स, तो धूप आई थी तो इसलिए मैंने सारे बिस्तर सुखा दिए थे, और अब खाना भी मेरा बन चुका है। तो दोस्तों महादेव की पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और अब वो भी मछलियों को चारा देके आ गए हैं, तो अब बना लेती हूँ नाश्ता। वैसे दलिया तो बनाया हुआ है अगर वो दलिया खाएंगे तो, नहीं तो सब्जी है ही, रोटी बना। आज मैंने चूड़ियाँ मंगाई थी पेटी भर के, तो संभालते संभालते मेरी हो गई है हालत ख़राब, और यहाँ दुकान का ऐसी हालत बना रखी है, मैंने पूरा कचरा भर रखा है, और यहाँ ऐसे पूरा सजा दिया है, यहाँ से पीछे स्टेट मशीन मैंने पैक, ये भालू की गिफ्ट शादी के लिए गिफ्ट रख दिया है अभी से मैंने, मशीन खराब हो गई है ना, भानु की शादी के कार्ड इसी में छपेंगे। ये सब इस तरीके से लगा दी मैंने चूड़ियाँ, और बाकी चूड़ियाँ यहाँ रख दिया नीचे काउंटर में क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं हो रही थी रखने के लिए। और अब थोड़ी फटाफट साफ सफाई कर लेती हूँ, भानु तो कुछ करेगी नहीं आज, ये कैमरा मैन नहीं है। अरे 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 ये डुको अपने खिलौने रखने के लिए पेटी ले गया अंदर को, जा अंदर रख के आ, और हम फटाफट सारा ये डटोल लेती हूँ। जिनसे बारिश हुई थी पूरे क्या कहते हैं 15 दिन की बारिश का काम मेरे लिए आज ही हो रखा है।
चार दिन बाद आ गई, नराई लगी थी, बल मेरी लगी थी क्या था तो हाँ लेने वाले गई, कब बुला रहे हो। हाँ 5 दिन रुक जा, कहा आज रुक जा, कल को आ जाएगी, नहीं आज ही आ गई प्यार। ये आई थी नई माला मंगलसूत्र, और ये आई हैं आज नई चूड़ियाँ, और ये ग्रीन कंगन। तो डुगू को हो रखी है खांसी, अब इसको दवाई दिला के लाती हूँ, सब्जी तो चला के आ गई हूँ मैं, अभी दुकान में भी कोई नहीं आया है, चलो डुगू। तो दुकान का सामान सब मैंने अंदर रख दिया है, तो अब शाम हो गई है, अब टाइम हो गया है पूजा करने का, तो अब थोड़ी देर दुकान पे दीक्षा बैठ गई, अभी नहीं बढ़ाते हैं तो सांस पड़ी है, तो पूजा पाठ कर लेती हूँ उसके बाद टाइम। तो दोस्तों खाना पीना हम लोग का हो चुका है, और फिर भी 10:30 हो गए हैं, देवरानी जी भी आ गई हैं, तो 2 दिन हो गए भी इतनी देर लग गई है, क्योंकि दुकान से 8 बजे तक तो हम लोग दुकान में ही रहते हैं, उसके बाद अंदर आके काम करना होता है तो लेट हो जाता है, आज भी 10:30 हो गए हैं। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की एंडिंग कर लेती हूँ, वहीं मिलते हैं आपको कल को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।